दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि 5G से रिलेटेड है और जैसा जियो ने अनाउंस कर रखा है कि इस दिवाली में वो 5G को लॉन्च करने वाले हैं, यानी 1 से 2 महीनों के बाद यह 5G लॉन्च होगा और इस शेयर में काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो क्या ऐसे में इस कंपनी को करेंट प्राइस पे बाई किया जा सकता है, क्योंकि यह एक पैनी शेयर है, 1 रुपये के आसपास यह कंपनी अभी आपको मिल रहा है। ऐसे में इस कंपनी का क्या टारगेट हो सकता है, कहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, सब कुछ एनालाइज करेंगे और आपको इस वीडियो में टोटल डिटेल बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। दोस्तों मैं बात कर रहा GTL इंफ्रा, अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा 1 से 2 महीने के बाद। हालांकि इस कंपनी के आज के ग्रोथ की बात करें तो यह कंपनी 8% के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है और जैसे दिवाली का दिन आएगा उसके बाद इस कंपनी में एक बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस कंपनी के कैंडलिस्टिक चार्ट को आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी टाइम से यह कंपनी एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है, अप साइड में यह कंपनी उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और डाउन साइड में आप देखेंगे बार बार सपोर्ट लेकर वहीं पर रुक जा रहा है। फिर ऐसे में इस कंपनी के साथ क्या करें, जैसे यह कंपनी 1.50 रुपये के पास का लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर निकलता है तो फिर इस कंपनी में फ्रेश एंट्री किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म वाले भी इंटर हो सकते हैं। कंपनी का जो टारगेट होगा वो 2.20 रुपये से लेकर 2.50 रुपये का पहला टारगेट होगा, 2 महीने बाद की टारगेट की बात कर रहे हैं। जैसे इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो फिर इस कंपनी में आपको 3 रुपये इसके ऊपर का टारगेट देखने को मिल जाएगा। वो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए बाई करें, साथ के साथ अपना स्टॉप लॉस डेली टू डेली कंटिन्यू करें या फिर अपना एक फिक्स स्टॉप लॉस लगाएं 1.20 रुपये के पास में। उसके नीचे यह कंपनी नहीं जा रहा, आप देखेंगे पिछले काफ़ी टाइम से यह कंपनी 1.20 रुपये के पास में ही जाकर रुक जाता है, जब भी गिरावट आती है तो 1.20 रुपये के पहले ही जाकर रुकता है और अगेन बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में अपना स्टॉप लॉस स्ट्रांगली लगाएं और इस कंपनी को कंटिन्यू करें। अगर इस कंपनी के RSI की बात करें तो आप देखेंगे 50 का लेवल इस कंपनी ने आज ब्रेक किया और 52 पर जाकर क्लोज हुआ है। जैसे 55 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक स्ट्रांगनेस आपको देखने को मिलेगा और जैसे इसकी जो प्राइस है 1.50 रुपये के ऊपर निकलता है तो फिर इस कंपनी में इंटर होकर अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पैनी शेयर है तो वही लोग बाई करें जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा है, जिन लोगों ने अपने रिस्क को एनालाइज कर रखा है, क्योंकि अगर आप विदाउट अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई के विदाउट अपने रिस्क के एनालाइज को अगर इस कंपनी को बाई करते हैं तो काफ़ी बड़ा आप रिस्क उठा रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।